जोड़ के प्रणाम। लाडली बहना, ये कोई योजना नहीं है, ये अंतर मन का भाव है, ये दिल का भाव है, ये आत्मा का भाव है। क्योंकि मैंने देखा एक जमाना था जब भारत में नारी की बड़ी प्रतिष्ठा थी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का युग हमने देखा है। लेकिन बीच में एक काल आया जब हम गुलाम हुए, तब धीरे धीरे बहनों के साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय होना शुरू हुआ। मैं उसके विस्तार में आज नहीं जाऊंगा, लेकिन घर में भी कई बार द्वयम दर्जे की नागरिक बन के बहने रह गई। पर कई बार लगता था हमारी बहनों को अगर 1,500 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो उनको पतिदेव का मुंह देखना पड़ता था। उनसे मांगती थी, कई बार देते, कई बार नहीं देते, कई बार कह देते जब देखो पैसे ही मांगती रहती है। और उससे भी मार्मिक बात, बेटा बेटी को किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, और दौड़ के मां के पास आए और कहे मां कपड़े दिला दो, किताब दिला दो, आइसक्रीम खिला दो। अब मां की इच्छा होती कि बेटा बेटी के लिए कुछ कर पाऊं, लेकिन अगर पैसे नहीं होते तो मजबूर होकर रह जाती थी। और इसी में से कई योजना शुरू करने के बाद लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, 50% रिजर्वेशन चुनाव में, क्योंकि ये कोई एक योजना नहीं थी, लाडली बहना योजना की कड़ी थी। पहले बनी लाडली लक्ष्मी योजना, और उस योजना को चलाने में मेरी आंगनबाड़ी की बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, उनका बहुत योगदान है। अपने 2007 बेटी अगर पैदा होगी तो 2 बेटियों तक मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली लक्ष्मी होगी। और कांसेप्ट था कि बेटी बोझ नहीं, बेटी वरदान बने, पर बोझ कब नहीं रहेगी, जब बेटी लखपति बन जाएगी। इसलिए लाडली लक्ष्मी के रूप में बेटी को लखपति बनाया। और मेरी बहनों, आपने कई बेटियों को अपने हाथ से वो प्रमाण पत्र दिए हैं, स्वीकृति पत्र दिए हैं। कई बेटियां तो ऐसी जिनको मैंने 2 महीने 4 महीने कैसे गोद में खिलाया, कई बार उठाता था, आप कई बहने साक्षी और फिर गोद में लेता था। मेरी वो बहन बेटियां कॉलेज में पहुंच गई, और कॉलेज में पहुंच के जब वो मामा मामा चिल्लाती है तो मुझे लगता मेरी तो जिंदगी सफल हो गई। लेकिन इस योजना को सिरे चढ़ाने का काम किया तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने किया। मेरी बहनों, बेटी को लोग बोझ मानते थे, शादी के कारण भी मानते थे। एक बार एक सभा में मैं कह रहा था बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। एक बुढ़िया मैं कहने की बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज के इंतजाम कर तू करवाएगा, आ गया कह रहे बेटी को आने दो। तब से मेरे मन में तड़प थी कि कोई ऐसी योजना बनाओ कि जिससे बिटिया की शादी बोझ ना बने। और फिर अपन ने बनाई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कि सारी गरीब बिटियों की शादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, मामा करेगा, माता पिता पर बोझ नहीं आएगा। लेकिन मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह को भी जमीन पर लगवाने में जी जाने करती है तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बहने करती है। सारे इंतजाम दुल्हन को सजाने से लेते हैं और छोटे बड़े जितने इंतजाम होते हैं सब में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं जुटती है। और अनेकों काम है, कुपोषण दूर करने की जिम्मेदारी आप संभाल रही है, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। आप लोग मेहनत से काम में लगे, लेकिन मेरे सामने चुनौती आई लाडली बहना की। एक दिन में लगातार सोचता रहा कि बहनों को छोटी मोटी जो जरूरत है, गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय बहन, थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ गई तो मजबूर हो जाती है, कई बार जरूरत पूरी न कर पाए बच्चों की। एक बहन ने मुझे कहा कि जब मायके जाते हैं तो भैया के बेटा बेटी दौड़ के आ जाते हैं, हुआ आई है, क्या लाई है, और जब पैसे नहीं होते तो मन बड़ा उदास हो जाता है। कई बार कोई बीमार हो, बच्चे को छोटी मोटी दवाई खरीदी, पैसा नहीं होते इधर उधर से लाने पड़े।
छोटी छोटी जरूरत के लिए मेरी बहनाएं मजबूर हो जाती थी, लेकिन मेरे मन में एक ही भाव है। कल मेरी बहनों, लाडली बहना के कार्यक्रम में आपने देखा होगा, मैं बेटियों की पूजन तो करते ही हूँ, आप ही करवाती हो अलग अलग कार्यक्रम में, उसके बिना शासकीय कार्यक्रम प्रारंभ नहीं होता। कल मैंने एक बहन को बिठा के उसके पैर धोए और पैर धोकर पानी माथे से लगाया, एक बहन का सम्मान नहीं किया, साल उड़ाया, श्रीफल दिया, ये भाव कौन सा है? ये भाव एक ही है कि मेरे लिए या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मात्र रूप हमारे लिए है, उसे देवी मान के मैं उनकी पूजा करके उनकी जिंदगी के कष्ट दूर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज मुझे आप सबको धन्यवाद इसलिए भी देना है, लाडली बहना योजना में मैं समझता हूँ दुनिया में पहली योजना होगी। 28 जनवरी को मेरे मन में विचार आया कि ऐसा करें कि एक नगद राशि अगर सब बहनों को हर महीना मिल जाए। अजब वो आइडिया भी आया सावन के कारण कि सावन के महीना में भाई अपनी बहन को या तो लिवा कर लाता है या फिर बहन के घर जाता है, बहन राखी बांधती है और भाई कुछ ना कुछ उनको देता है। तो मुझे लगा शिवराज सब बेटी तुझे कहती मामा, तो जो बेटियां हैं उनकी माँ तुम्हारी बहन हुई, हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? बहन हुई, तो तू भी तो बहन को कुछ दे, मुख्यमंत्री हो गया है। और इसलिए तब 28 जनवरी को तय किया कि 1000 रुपया हर महीना मैं अपनी बहनों के खाते में डालूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहनों के खाते में डालेगी। लेकिन कल फिर एक विचार आया, 1000 तो शुरुआत है, 1000 तो रुकना नहीं है, रुकना तो नहीं है ना 1000 पे? अरे बोलो ना, नहीं रुकना है। तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए कल मैंने कहा, आपने सुना कि नहीं सुना? तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको 3000 रुपए तक ले जाना है। अब ये राशि अगर गरीब बहना के पास आती है या निम्न मध्यम वर्ग की छोटे किसान परिवार में आती है तो परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? जरा दिल से बोलो एक बार, बदलेगी कि नहीं? बहनों का भी तो हक है, देना पड़ेगा। लेकिन इस लाडली बहना योजना को लागू करवाने में आपने दिन और रात एक कर दिया। मैं कहना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से, 28 जनवरी को विचार आया, मैंने घोषित किया और फिर आप जानते हैं बजट का इंतजाम, पैसे की व्यवस्था और कोई थोड़ा मोल नहीं, 15,000 करोड़ लगना है, वो करके फिर हमने तय किया कि फॉर्म भरवाओ आवेदन। तो हमारी ये लाडली बहनाएं आंगनवाड़ी की, खेतों में चली गई, पहाड़ों पर चढ़ गई, अगर मोबाइल के काम नहीं करवा रहा था तो ऊंची जगह चढ़ चढ़ के भी काम किया उस समय, और 1,25,00,000 रजिस्ट्रेशन हो गए। 1,25,06,000 अभी रिकॉर्ड है इतने कम समय। और फिर EKYC बैंक लिंकेज वो सब करके कल पैसा खाते में डाल दिए। और मैंने तय किया कि आंगनबाड़ी की बहनें इतनी मेहनत कर रही हैं तो वो भी सब लाडली बहना होगी, उनके खाते में ये 1000 रुपया हर महीने अलग से आएगा और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका भी बढ़ाया जाएगा। तो इस योजना को लागू करने में आपने जितना परिश्रम किया उसके लिए भी मैं अपनी सब बहनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरी बहनों, जब मैं मुख्यमंत्री बना उस समय मानदेय था केवल 500 रुपया, उसको बढ़ाते बढ़ाते याद है कि नहीं? कई बहनों को याद नहीं होगा, 500 रुपया मानदेय था, 500 को बढ़ाते बढ़ाते 2008 और 2009 में हम ले गए 1500 तक, और इसके बाद 2013-14 में उसको और बढ़ाते चले गए, लेकिन 18 में फिर एक बार हमने मानदेय बढ़ाया और मेरी बहनों का मानदेय
कुल मिला के 10,000 रुपया करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कांग्रेस ने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। और एक पाप जरूर किया कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने, कि हमने जो 10,000 बढ़ाए थे उसी में से 1500 मार दिए उनने। बताओ मार दिए कि नहीं मार दिए, जोर से बताओ ना, 1500 और उसी में से मार दिए। तो बढ़ाने का काम किया नहीं, आज बड़ी बातें करते हैं तैसी होने की, लेकिन उसी में से उन्होंने वो पैसे काट लिए आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के मानदेय में से। वो वास्तव में आपके साथ अन्याय था। आज जब आपने मांग पत्र दिया है तो मांग पत्र में जो मैं पहले से भी देख रहा था कि अपनी बहनों के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, तो एक तो अभी हम जब रिटायर होते हैं तो रिटायर होने पर हमको कह दिया जाता है कि अब घर जाओ, अब इतने साल सेवा करवाई, रिटायरमेंट हो गया तो रिटायरमेंट के बाद कुछ तो सहयोग करो कि जिसके कारण बहन को दिक्कत और परेशानी ना हो, अपना जीवन वो ठीक से चला सके। और इसलिए आज हम ये योजना बना के मैं घोषित कर रहा हूं कि रिटायरमेंट के बाद आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को 1,25,000 रुपया एक मुश्त दिया जाएगा और उसके साथ सहायता को भी 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा खड़े होके अभिनंदन कीजिए, इतनी बड़ी घोषणा हुई, थोड़ा खड़े होके दोनों हाथ, भारत माता की, भारत माता की। एक आपने अभी आपने कहा था कि आंगनबाड़ी सहायता का आंगनबाड़ी पद पर जाती तो 25% के बंद रहे, अब वो भी आरक्षण बढ़ा के 50% कर दिया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका, इनका 5,00,000 रुपए का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा करवाया जाएगा ताकि अगर कभी कोई संकट में आ जाए तो परिवार कम से कम तबाह और बर्बाद ना हो, परिवार को कुछ राशि ऐसी मिल जाए जिससे बच्चों की जिंदगी चलती रहे। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है वो कुल मिला के 1,000 रुपया लाडली बहना का अपने स्थान पे होगा, लेकिन एक मुद्र बढ़ा के ये 13,000 रुपया कर दिया जाएगा। और उसी भारत माता की, और उसी के साथ निधि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी 6,500 रुपया वेतन कर दिया, मानदेय कर दिया जाएगा। पदोन्नति का 25% का 50% करने का काम मैंने पहले ही आपके सामने रख दिया है। मेरी बहनों सुनिए, ध्यान से सुनिए, मेरी बहनों आपके काम के कारण प्रदेश के बच्चों का पोषण का स्तर सुधरता है, कुपोषण से मुक्त होते हैं और बाकी व्यवस्थाएं भी आप करती हैं। इसलिए अभी तो 13+1 आंगन वो लाडली बहना का अलग, और वो बढ़ेगा तो और बढ़ता चला जाएगा, और भी जो आवश्यक व्यवस्थाएं होगी वो करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।